हमारे देश में सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। नमस्ते, कैसे? बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ पर आपको कैसा लगता है? इस विद्यालय में आकर के मन के साथ साथ आत्मा भी प्रसन्न हो गई, और उसका विशेष कारण ये है कि मैं एक अच्छा शिक्षक रहने का गौरव प्राप्त हुआ मुझे। तो मैंने जो यहाँ की कला, यहाँ का प्रदर्शन, यहाँ का शिक्षक की भावना, बच्चों के प्रति जागरूकता और जो एजुकेशन के बेसिक नियम होते हैं वो आज देख करके मुझे जो है ना अपनी रिटायरमेंट से पहले का 30 साल का समय याद आ गया, और मैं यूँ समझो कि आज वरिष्ठ नागरिक ना होकर के 60 साल नीचे में पहुँच गया। बच्चों ने संदेश देने की गुंजाइश कम ही छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने जो शब्द एजुकेशन के होते हैं, मोटिवेशन हुआ जिसको हम हिंदी में प्रेरणा कह देते हैं, उत्तरदायित्व कहा, अनुशासन कहा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी और वाणी से भी एक एक कदम जो है ना उन्होंने पूरे का पूरा जो है ना कवर किया, जो मानवता का चिन्ह है। धन्यवाद। तो अभी हम ना प्रिंसिपल सर से मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे हम उनकी सलाह लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। एकदम बढ़िया सर। जब आपने स्कूल की नींव रखी थी उस टाइम पर क्या आपके मोटिव थे, और वो मोटिव आज पूरे होते हुए दिख रहे हैं, क्या आप क्या देख क्या सीखेंगे? बिल्कुल, जब हमने इस स्कूल की नींव रखी बिल्कुल एक विचार करके रखी थी कि गांव के जो बच्चे होंगे उन्हें प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, प्रॉपर जो है टीचर्स नहीं मिलते, और वो पहले पहले अपने सपनों को खोते हुए नहीं। लेकिन हमारा जो अनुभव रहा है, हम अपने अनुभव के साथ विश्वास लगाते हैं कि एक दिन इस अक्षर से बहुत काम करते हैं। सर यहाँ के जो अभिभावक हैं आपके बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं, और आगे के और आप क्या उम्मीदें लगाते हैं? मैं 100% हर अभिभावक इतना कोऑपरेट करने वाला है, साथ देने वाला है, अपने बच्चों के लिए दिन रात जो है सोचता है, जागरूक होकर आज बहुत अच्छा हो रहा है। सभी इस क्षेत्र पर जो भी रूप है अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंता है, और यह जरूरी था, और काफ़ी कुछ मेडिकल के हफ्ते के साथ आ रहे हैं और हम पूरी उस दिशा में। और जैसे अभी यहाँ पे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने अपने विचार रखे, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।